गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोटिक के पपाया स्क्रब का रिव्यू। तो ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रही हूँ जिनका नाम है यास्मिन सना जी। उनका मुझे कमेंट आया था कि मैं इस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू शेयर करूँ आपके साथ, तो हियर इज द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये प्रोडक्ट बायोटिक का बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। यू कैन सी दिस इज द प्रोडक्ट। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये ऑल स्किन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, किसी भी स्किन टाइप के आप हो आप इसको यूज कर सकते हो। ये है आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से ये बना हुआ है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 100 ग्राम। 100 ग्राम की ये ट्यूब है और इसका प्राइस है 140 रुपीज। एक बार मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स से गो थ्रू करवा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा। तो इट कंटेन्स पपीता फ्रूट, केला फ्रूट, खजूर फ्रूट, नीम बार्क, मेथी सीड्स, आम बीज, किक्कर गम, मूंगफली एंड प्यूरिफाइड वाटर। जैसे कि आपने सुना कि इसमें सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल ऐड नहीं है इसमें, तो इसकी ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। इसीलिए ये सारा ही नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो आप इसको टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हो। आपकी स्किन पे इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसका टेक्सचर देख लेते हैं। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसका थिक टेक्सचर है, आप देख सकते हो। बट इसके जो स्क्रब ग्रैन्यूल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी डेड स्किन को निकालते हैं। जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको एक्चुअल में फील होता है कि ये बहुत अच्छे से डेड स्किन को निकाल रहा है। तो मैंने अपने प्रीवियस पर्पल हॉल में इसको शेयर किया था, तो इसको परचेज किए हुए मुझे 15 से 20 डेज हो चुके हैं और तब से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे आदत है कि मैं एवरीडे रूटीन में बाथ टाइम स्क्रब करती हूँ, फेस स्क्रब। बट समटाइम कई लोग सोचते हैं कि एवरीडे बेसिस पे फेस स्क्रब नहीं करना चाहिए, स्किन को डैमेज करता है, बट ऐसा नहीं है, ये मिथ है। आप एवरीडे बेसिस पे भी स्क्रब यूज कर सकते हो, बट अगर आप एवरीडे यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 to 2 मिनट के लिए ही यूज करना है। और अगर आप वीक में ट्वाइस या थ्राइस यूज कर रहे हो तो आप 5 to 7 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि मुझे ये कैसा लगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा है। मैंने गुड वाइब्स का स्क्रब भी यूज किया हुआ है, अभी मैं इन दोनों में कंपैरिजन बताती हूँ आपको। बट मुझे ये बायोटिक का एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा है। जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ उसके बाद एकदम से स्किन रिफ्रेशिंग फील करती है, स्मूथ सपल फील करती है, और ऐसा लगता है कि जितनी भी डेड स्किन है स्किन की वो सारी निकाल दी है इसने बहुत अच्छे से। ये नोज अराउंड एरिया में हल्के फुल्के से ब्लैक हेड्स होते ही रहते हैं और डेड स्किन यहाँ पे आ जाती है, तो बहुत अच्छे से इसने निकाला है। ये क्लेम करता है कि ये टैन रिमूवल स्क्रब है, बट ऐसा नहीं होता कि आप आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और कल टैन रिमूव हो जाए। नो, ऐसा किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं होता, चाहे आप कितना भी हाई एंड प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। टैन रिमूव होने में टाइम लगता है, आप 1 मंथ यूज करिए, 2 मंथ यूज करिए, फिर आपको अपनी स्किन टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है आज यूज कर रहे हो कल इसने टैन रिमूव कर दिया तो आप सोचो कि अच्छा नहीं है। नो, बट डेड स्किन को बहुत अच्छे से निकालता है और स्मूथ करता है आपकी स्किन को, एकदम से ग्लो कर देता है फेस को ये। ऑलराइट, अब दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ 2 प्रोडक्ट है, बायोटिक का स्क्रब पपाया स्क्रब एंड गुड वाइब्स का पपाया स्क्रब। तो ये प्लास्टिक ट्यूब में आता है और ये है ग्लास जार। तो ट्रैवल में इसको इजीली कैरी कर सकते हो, कैरी तो इसको भी कर सकते हो, बट इसके टूटने का थोड़ा डर रहता है बिकॉज ये ग्लास जार है। ऑलराइट, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 100 ग्राम एंड इसकी है 50 ग्राम। इसका प्राइस है 140 रुपीज और इसका है 199 रुपीज। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप अफोर्डेबल, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, एक अच्छा स्क्रब चाहते हो, तो आप बायोटिक का परचेज कर सकते हो। बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप गुड वाइब्स का भी परचेज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसका इंडिविजुअल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, इसको भी मैंने यूज़ किया है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डेड स्किन को निकालता है ये भी, बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स को निकालता है। और इसकी जो इसका टेक्सचर है वो भी थिक है, बहुत अच्छे ग्रैन्यूल्स हैं, स्क्रब ग्रैन्यूल्स, और ये रिज्यूविनेटिंग स्क्रब है। अब इसके भी थोड़े इन्ग्रीडियंट बता देती हूँ। इट कंटेन वेनीला एप्पल एक्सट्रैक्ट, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, शुगर केन, पपाया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट,
सिटाइल अल्कोहल ग्लिसरीन। जी हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इट कंटेन्स अल्कोहल। अल्कोहल आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है अल्कोहल। तो अगर आपको अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली बायोटिक का ही परचेज करें। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं कि मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगा, तो डेफिनेटली मुझे बायोटिक का ही अच्छा लगा है और मैं इसको रीपरचेज भी करने वाली हूँ। अगर दोनों में से मुझे दोबारा से कोई परचेज करना पड़े तो बायोटिक का ही परचेज करूंगी। और अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो थोड़े कि हम इन दोनों में से कौन सा परचेज करें, या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो परचेज करना चाहते हैं बट कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली आपको बायोटिक का ही परचेज करना चाहिए। तो आप इसको परचेज करिए, ट्राई करिए एंड देन मेरे साथ शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो अगर आपको ये वीडियो, तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास ही एक बेल बटन है, उसको क्लिक कर देना सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और इन दोनों स्क्रब का परचेज लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां जाकर के इनको परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर।